Hello students, today we will discuss about high risk pregnancy assessment and management. High risk pregnancy. High risk pregnancy क्या होती है? High risk pregnancy में pregnancy से related कुछ complication हो सकती है, जिसमें mother and baby की health पर negative इम्पैक्ट डालती हैं, जो ऐसी जैसे ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रेग्नेंट या जो प्री प्रेग्नेंट या प्रेग्नेंट दोनों स्टेज में अगर हो तो प्रेगनेंसी एंड फीटल हेल्थ के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अपन ने स्क्रीनिंग असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज का डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, जिसमें अपन ने यूएसजी सीटीजी एनएसटी सीएसटी वगैरह के बारे में पढ़ लिया है. अब हम देखते हैं हाई रिस्क अप्रोच डेफिनेशन. हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज ए pregnancy in which the mother, fetus or newborn are at increased risk of morbidity and mortality during pregnancy, labor or puerperium period due to some complicating factor. ठीक है, high risk pregnancy क्या होती है? High risk pregnancy एक ऐसी pregnancy होती है जिसमें कुछ factors की वजह से mother, fetus और newborn में मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी के रिस्क को बढ़ा देती है. ठीक है, अब देखते हैं इंसिडेंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. अबाउट 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज आर हाई रिस्क. मतलब जो टोटल प्रेगनेंसी है उनमें से 20% प्रेगनेंसी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती हैं, बट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ऑल मैटरनल कॉम्प्लिकेशन. और ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये सभी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के लिए 50% रेस्पॉन्सिबल होती है. मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जो हो रहे हैं सभी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में से 50% के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, देन 60% ऑफ ऑल प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन. और ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी सिजेरियन नहीं सॉरी जो सारे सिजेरियन सेक्शन होते हैं ना उसमें से जो 60% सिजेरियन सेक्शन होते हैं वो हाई रिस्क की वजह से होते हैं. ठीक है, देन 70-80% ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी. ठीक है, और ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये 70-80% प्रीनेटल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रीनिंग ऑफ प्रेगनेंसी फॉर हाई रिस्क केसेस. अब हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का वो देखते हैं. ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी की स्क्रीनिंग हमको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि कोई और अदर कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सके. और उन स्क्रीनिंग में क्या क्या है? फर्स्ट है फैक्टर ऑफ हिस्ट्री टेकिंग. तो फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, कि पेशेंट की अपन हिस्ट्री लेंगे. किससे रिलेटेड हिस्ट्री लेंगे हम पेशेंट से? मैटरनल एज. मैटरनल एज जो बिलो या तो बिलो 16 ईयर हो या फिर अबो 35 ईयर हो तो वो पेशेंट हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, और पर्टिकुलर जो प्राइमरी ग्रेविडा हो उसके लिए तो एज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. देन पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री. अब उसकी जो पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है वो देखते हैं. उसमें क्या होता है, जो प्रीवियस उसमें क्या क्या देखेंगे?
प्रीवियस कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, ठीक है, अगर उसकी पहले की प्रेगनेंसी में कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की कंडीशन देखी गई हो, या फिर मैक्रोस्कोपिक बेबी हो, या फिर रिपीटेड अबॉर्शन हुआ हो, रिपीटेड अबॉर्शन की उसकी हिस्ट्री हो, ठीक है, या फिर रिपीटेड प्री टर्म लेबर हुआ हो उसको, या फिर स्मॉल फॉर डेड बेबीज हुआ हो, या फिर स्टिल बर्थ हो, या फिर सीजेरियन सेक्शन हो, या फिर फोरसेप या बेंटोस डिलीवरी अगर उसकी हुई हो तो उसकी हिस्ट्री हम लेंगे। देन सेकंड ग्रैंड मल्टीपेरिटी, मतलब उसके कितने कितनी डिलीवरीज उसकी हो चुकी है, मतलब ग्रैंड मल्टीपेरिटी मतलब 5 or more प्रीवियस डिलीवरीज, ठीक है। देन फोर्थ है प्रीवियस और करंट मेडिकल डिसऑर्डर, उसके जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं पेशेंट में या फिर उस प्रेग्नेंट वूमेन में, वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एनीमिया की कंडीशन हो, या फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या कार्डियक या पल्मोनरी या हेपेटिक लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, ठीक है, या फिर कोई कोआगुलेशन डिफेक्ट हो, ठीक है, या फिर कोई और सीरियस इन्फेक्शन हो, जैसे HIV, हेपेटाइटिस वगैरह हो, तो उसकी उनकी भी हिस्ट्री उससे हम लेंगे, ताकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अच्छे से असेसमेंट कर सकें, ठीक है। देन सेकेंड है, फिफ्थ इज प्रीवियस और करंट ऑब्स्टेट्रिकल डिसऑर्डर, तो उसके जो पहले के और अभी के जो उसमें कोई ऑब्स्टेट्रिकल डिसऑर्डर है तो वो उसकी हिस्ट्री लेंगे। उसमें क्या देखते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज, पहले की अगर उसकी प्रेगनेंसी में एंटीपार्टम हेमरेज हो, या फिर इंट्रायूटरन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हुआ हो, या प्री मेचोर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पॉलीहाइड्रामिनोज, ओलिगोहाइड्रामिनोज, या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जैसी कोई कंडीशन हुई हो तो, ठीक है। देन हिस्ट्री ऑफ सर्जरी ऑन ट्रोमा, देन उस पेशेंट की कोई सर्जरी या ट्रोमा से रिलेटेड कोई हिस्ट्री हो तो, जैसे मायोमेक्टमी हुआ हो, यानी रिमूवर ऑफ यूटेराइन फाइब्रोइड, या फिर मेट्रोप्लास्टी हुई हो, जैसे रिपेयर ऑफ कंजेनाइटल एनोमली ऑफ यूट्रस, एंड देन रिपेयर ऑफ थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर, ठीक है, या फिर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर हुआ हो इससे, ठीक है, इस इन सब की हिस्ट्री भी अपन लेते हैं पेशेंट से, ठीक है। देन फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इसमें, कैसे कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो जैसे, और या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो पेशेंट को, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, ठीक है, या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अपन देखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर उसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो हो सकता है उसमें माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो, या फिर एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है। देन देखते हैं फैक्टर्स ऑन एग्जामिनेशन, अब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो एग्जामिनेशन में हम उसका क्या क्या देखेंगे, शॉर्ट स्ट्रक्चर, मतलब पेशेंट की हाइट कम हो, लेस देन 145 सेंटीमीटर की अगर उसकी हाइट हो तो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आती है, ठीक है, या फिर अंडरवेट हो, या फिर ओबेज हो, यानी BMI मोर देन 30 kg/m² हो, या फिर हाइपरटेंशन हो उसको, या एनीमिया, या एनी पहले की उसकी कोई कार्डियक रेस्पिरेशन, या फिर ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो उसको कोई, ठीक है, एंड देन उसको कोई पेल्विक मास हो, जैसे फाइब्रॉइड हो, या फिर ओवेरियन सिस्ट हो, ठीक है, या फिर जेनिटल प्रोलैप्स की कोई कंडीशन हो रही हो उसमें, ठीक है, ओल्ड सर्वाइकल टीयर्स, या फिर डायलेटेड सर्विक्स जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, सर्विक्स डायलेट हो जाता है, ठीक है, तो वो भी हाई रिस्क में आता है। एंड देन
इसमें और क्या देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्यों देखते हैं, क्योंकि इसमें ये नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवाने में ये एक बहुत बड़ा इंटरफेयर भी हो सकता है, जिसका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है, ठीक है। देन फोर्थ फैक्टर देखते हैं अपन, करंट प्रेगनेंसी फैक्टर्स इन करंट प्रेगनेंसी, जो भी की उसकी करंट की प्रेगनेंसी है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, उससे रिलेटेड हम देखेंगे एनीमिया, ठीक है, एनीमिया को देखेंगे। एंड उसमें या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, ट्विंस तो नहीं है, वो देखेंगे, ठीक है। देन प्री टर्म लेबर या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, और देखेंगे उसमें एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड पोजिशन, फीटस की एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड पोजिशन को असेस करेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल पोजिशन कौन सी होती है फीटस में, जिसमें फीटस का फेसिंग फॉरवर्ड हो, एंड एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन कौन सी होती है, जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट फेस, ब्रो, ब्रीच या शोल्डर हो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं है, वो देखेंगे, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट देखेंगे फैक्टर्स इन लेबर। अब लेबर लेबर के दौरान जो हम जो देख सकते हैं फैक्टर्स जो हाई रिस्क की कैटेगरी में होते हैं, वो होते हैं इंडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर की क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, किस प्रोग्रेस हो रही है अच्छे से कि नहीं हो रही है, ठीक है, वो देखेंगे। या एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट की एबनॉर्मलिटी देखेंगे, या मिकोनियम स्टेनिंग लिक्वर, या एमनियोटिक फ्लूड में फीटस ने मिकोनियम तो पास नहीं कर दिया है, ठीक है, और कोरियो एमनियोनाइटिस, या ठीक है, देन कोरियोनिक एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन का कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ठीक है, और यूट्रस रप्चर यूट्रस, ठीक है, और फीटल डिस्ट्रेस को देखेंगे, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, डिलीवरी में कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ तो नहीं हो रहा है, जैसे वैक्यूम या वेंटोस डिलीवरी। देन देखते हैं अपन पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें देखेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज एंड रिटेंड प्लेसेंटा, शॉक या इन्वर्जन ऑफ यूट्रस या सेप्सिस, ठीक है। देन अपन देखते हैं नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन। अब देखते हैं जो नियोनेट जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से जो जो नियोनेट मतलब जो बेबी का बर्थ हुआ है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो उसमें अपन क्या क्या देखेंगे कि फर्स्ट तो देखते हैं अपन अपगार स्कोर, तो उस बेबी का अपगार स्कोर पुअर तो नहीं है, वो देखते हैं, ठीक है। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को देखेंगे, ठीक है, मैक्रोसोमिया मतलब बेबी लार्जर देन जेस्टेशनल एज, ठीक है, नियोनेटल सीजर्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब इमेच्योर लंग्स। अगर डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 6 वीक या उससे पहले हो गई है तो ऐसे बेबी के लंग्स इमेच्योर होते हैं, ठीक है, तो ऐसे बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को असेस करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बेबी में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, सेप्सिस साइनोसिस या एनीमिया, ठीक है, और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट या डाउन सिंड्रोम या स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस या हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है फीटस में, ठीक है, या फिर नियोनेटल हाइपर बिलरुबिनेमिया देखेंगे, या हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, क्योंकि न्यूबॉर्न में विटामिन के का लेवल लो होता है इसलिए, ठीक है, ये सब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान स्क्रीनिंग करते हैं इन सब चीज़ों की, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं प्री
कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी प्रेगनेंसी से पहले हम क्या कर सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए. तो टू डायग्नोस हाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट बिफोर प्रेगनेंसी. ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के हाई रिस्क फैक्टर्स को डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी. देन अगर पहले की अगर उसकी कोई मदर की कोई मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल डिजीज़ है, तो उसको भी हम अंडर कंट्रोल करेंगे. जैसे डायबिटीज़ या एपिलेप्सी, हाइपरटेंशन जो भी है, वो उसको भी हम अंडर कंट्रोल करेंगे. ठीक है, देन हम उसको फोलिक एसिड स्टार्ट करेंगे. फोलिक एसिड 4 to 5 mg पर डे पे देते हैं. ठीक है, वो प्री कंसेप्शनल स्टेज में ही स्टार्ट की जाती है और प्रेगनेंसी के 12 वीक तक इसको स्टार्ट रखते हैं. ठीक है, उसके बाद में सारी जो ऑल वुमेन्स, सारी जो मदर होती हैं जो प्रेग्नेंट होने वाली है या होना चाहती हैं, उनको अच्छे से एग्जामिन करेंगे और उनका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ताकि कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है उसको पिकअप किया जा सके और उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके. ठीक है, और उसके बाद में उस पेशेंट को एडवाइस फॉर डाइट एंड एक्टिविटीज़, रेस्ट एंड मेडिसिन. ठीक है, अब देखते हैं एंटीनेटल में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे कि एंटीनेटल प्रेगनेंसी के दौरान हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन. उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो वो उससे पूछेंगे, और ऐसे पेशेंट में वेजाइनल एग्जामिनेशन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि वेजाइनल एग्जामिनेशन से सर्विक्स है वो स्टिमुलेट होती है, जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं, है ना, जिससे वापस अबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है. ठीक है, देन देखेंगे सर्वाइकल सर्कलेज इन केस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या देखेंगे, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब सर्वाइकल ओपन तो नहीं है. ठीक है, अच्छे से मतलब सर्वाइकल क्लोज होनी चाहिए. तो अगर सर्वाइकल ओपन की कंडीशन है तो सर्वाइकल सर्कलेज एक प्रोसीजर होता है जिसमें सर्विक्स के चारों तरफ सूत्रिंग की जाती है, तो वो करेंगे. ठीक है, एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन सुपरविजन फॉर एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन. ठीक, अगर कोई और सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो रही है पेशेंट को, ठीक है, जैसे उसके पहले के कोई प्रीमेच्योर लेबर हुआ हो, या फिर स्टिल बर्थ हुआ हो, या इंट्रायूटराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की अगर हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए एंड देन उसको क्लोज सुपरविजन में रखेंगे. ठीक है, तो उसकी जो भी एबनॉर्मलिटी है और जो भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, उनको अच्छे से असेस किया जा सके और फीटस को भी मॉनिटर किया जा सके. ठीक है, थ्रू NST एंड USG. ठीक है, इन सब इन्वेस्टिगेशन से हम कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग रखेंगे. देन देखते हैं लेबर. ड्यूरिंग डिलीवरी हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी का. इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी फॉर सम कंडीशन लाइक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, प्लासेंटा प्रीविया. मीन्स कि जो ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसमें, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या प्लासेंटा प्रीविया, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सिजेरियन डिलीवरी का प्लान करके रखेंगे पहले. और वो सिजेरियन डिलीवरी का प्लान कब होता है, 38 वीक ऑफ जस्टेशन, मतलब 38 वीक ऑफ जस्टेशन पे वो सिजेरियन डिलीवरी का प्लान कर लेना चाहिए. ठीक है,
पेशेंट विद हाई रिस्क फैक्टर लाइक डायबिटीज, मेलाइटस, नेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस यूजुअली नीड इंडक्शन ऑफ लेबर एट 38 वीक। ठीक है, तो ऐसे हाई रिस्क फैक्टर होते हैं ना, जिसमें ये डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, इनमें नॉर्मली 38 वीक पे इन लेबर लेबर करवा लेबर इंडक्शन हो जाना चाहिए, है ना। तो इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस क्या होता है कि इसमें बाइल बाइल जो होता है वो लीवर में ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और लीवर के फंक्शन को इम्पेयर करता है। तो ऐसी कंडीशन में 38 वीक से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी को रखा जाए तो ये और रिस्की हो सकता है, है ना, फीटल के लिए भी रिस्की हो सकता है और मैटरनल के लिए भी ये रिस्की हो सकता है ना, और फीटस में भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसीलिए इसको 38 वीक पे ही इसको डिलीवर करवा लेना चाहिए। ठीक है, और लेबर की प्रोग्रेस और फीटस की जो डिस्ट्रेस को एसेस के लिए कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, फीटस की मॉनिटरिंग तो अपन एनएसटी से, है ना, यूएसजी के थ्रू, इन सब से अपन कर सकते हैं ना, और लेबर की प्रोग्रेस भी इन सब से कर सकते हैं। और जो जहाँ तक पॉसिबल हो सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग तो करनी ही चाहिए, ताकि कोई भी फीटस में या फिर लेबर प्रोग्रेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है तो उसका पता चल जाता है। ठीक है, और जो अगर नॉन प्रोग्रेसिव लेबर हो रहा है ना, जिस लेबर का प्रोग्रेस पुअर हो रहा है या फिर फीटस की स्टेटस स्टेबल नहीं है या नॉन रीअश्योरिंग है, तो ऐसी पेशेंट की सिजेरियन डिलीवरी करवा देनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना चाहिए, सिजेरियन डिलीवरी तुरंत परफॉर्म कर लेनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे जो नियोनेट जो होंगे बर्थ, उनके लिए एनआईसीयू की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए और एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन या न्यूनेटोलॉजिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए तुरंत, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, स्क्रीनिंग देखी एंड मैनेजमेंट देखा। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या होती है कि ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें कुछ फैक्टर्स की वजह से मदर, फीटस या फिर न्यूबॉर्न में मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी की कंडीशन की या फिर रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री में स्क्रीनिंग कैसे की हमने इन प्रेगनेंसीज की, जो हाई रिस्क केसेस हैं उनकी कैसे स्क्रीनिंग की, कि हिस्ट्री ली हमने। ठीक है, हिस्ट्री किस पे ली, कि मैटरनल एज की ली। ठीक है, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ग्रैंड मल्टीपेरिटी, है ना, प्रीवियस और करंट ऑब्स्टेट्रिकल डिसऑर्डर्स, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी ऑफ ट्रॉमा या फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, और देन हमने किया फैक्टर ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमने उसका एग्जामिनेशन किया, देन फैक्टर ऑफ करंट प्रेगनेंसी, जो उसके करंट प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड कोई फैक्टर है उनको हमने देखा, देन फैक्टर इन लेबर, लेबर के दौरान अगर ऐसे कोई फैक्टर आ रहे हैं हाई रिस्क के तो उनको असेस किया, देन पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन को देखा कि पोस्टपार्टम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे हाई रिस्क की कैटेगरी में ये आए, और नियोनेटल के लिए कॉम्प्लिकेशन क्या है वो देखी सब, है ना। उसके बाद में मैनेजमेंट हमने देखा, प्रीकॉन्सेप्शनल
एंटीनेटल और ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, प्री कॉन्सेप्शनल में तो पेशेंट को अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, हिस्ट्री लेना, ठीक है, उसको फोलिक एसिड थेरेपी देना, अच्छी डाइट देना, रेस्ट देना, मेडिसिन देना, ये सब किया। ठीक है, एंटीनेटल में भी उसको उसकी जो भी हाई रिस्क की कंडीशन है उसके लिए उसको अच्छे से पूरी प्रेगनेंसी में उसको अच्छे से मॉनिटर्ड करना चाहिए। ठीक है, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे अबॉर्शन वाली जो होती हैं जिनमें हिस्ट्री, उनमें उनमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो पीवी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग में उनमें होनी चाहिए, है ना, थ्रू NST या USG की थ्रू। और लेबर के दौरान क्या देखा हमने कि हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें 38 वीक पे ही उनका सिजेरियन डिलीवरी परफॉर्म कर देनी चाहिए, नॉर्मल के लिए वेट नहीं करना चाहिए जिससे कि फीटस या मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन अदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।